नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वतंत्र खबर, जन की आवाज, सच्चाई के साथ। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र दुगड्डा में बाहरी फार्मासिस्ट के द्वारा बांटी जा रही दवाइयां, सीएमओ ने दिए जांच के आदेश। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र दुगड्डा में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां पर नियुक्त फार्मासिस्ट की जगह पर एक बाहरी फार्मासिस्ट दवाई बांटने का मामला सामने आया है, जिससे अस्पताल में आने जाने वाले मरीजों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र दुगड्डा में कार्यरत एक फार्मासिस्ट द्वारा बाहरी फार्मासिस्ट को अपने स्थान पर कार्य करवाया जा रहा है, जिसकी शिकायत मुख्य चिकित्सा अधिकारी पौड़ी को की गई, जिस पर उनके द्वारा अस्पताल के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी को निर्देशित किया गया कि पूरे मामले की वास्तविकता उन्हें बताए। साथ ही कहा कि इस पूरे प्रकरण की जाँच की जाएगी, यदि कोई दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। देखिए, मेरे संज्ञान में अभी कुछ ही मिनट पहले मुझे अवगत कराया गया है कि इस प्रकार का कोई मामला है कि किसी फार्मेसिस्ट द्वारा ना अपने स्थान पर किसी और को कार्य करने के लिए कहा गया है। और अभी तो मुझे भी इसकी वस्तु स्थिति नहीं पता है। मेरे द्वारा जो है प्रभारी चिकित्सा अधिकारी से जो है तुरंत इसको करते हुए और इसकी जांच करा करके जो भी इसमें संबंध में दोषी होगा उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। अपने क्षेत्र की खबर के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, सबसे पहले खबर को पाने के लिए।